नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल जीए चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने वर्डप्रेस साइट के पोस्ट को सीओ फ्रेंडली कैसे बना सकते हैं। ठीक है, सीओ फ्रेंडली पोस्ट कैसे लिखा जाता है आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं। ठीक है फ्रेंड, तो दोस्तों शुरू करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने ऑलरेडी इसे सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, ठीक है मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, अगर मैं पूरा तरीके से बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे पहले से पोस्ट लिख करके रखा हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल मैं यहाँ पे इसको सबको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने पहले से लिख के रखा था यहाँ पे। ठीक है, फिर मैं इस अपने वापस साइड में आता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पर मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर अब मुझे इसका टाइटल देना है। ठीक है, तो टाइटल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर दिया। ठीक है, आपको फ्रेंड क्या करना है, सिंपली आपको अगर कीवर्ड रिसर्च करने नहीं आता है, ठीक है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं उसका सेपरेट वीडियो बना के आपको दे दूँगा, कैसे किया जाता है, कीवर्ड कैसे लगाया जाता है, कहाँ कहाँ पर पहले से किया जाता है। ठीक है, उसके बारे में मैं बता दूँगा। ठीक है फ्रेंड, पूरी कोशिश करूँगा इसके बारे में वीडियो बनाने की। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूँ कैसे आपको बनाना है सीओ फ्रेंडली पोस्ट को बनाना है। ठीक है, अगर आप पहले से ही पोस्ट लिख कर रखे हैं, अगर आप उसको सीओ फ्रेंडली बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, कैसे बनाना है मैं बता सकता हूँ। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ पर सीओ यूज कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं रीड एबिलिटी ओके है, सीओ फोकस कीवर्ड नॉट सेट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको क्या करने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों आपको कुछ इसमें इमेजेस ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो चलिए मैं आपको बता दूँ कैसे। फ़िलहाल मैं यहाँ पे अपना देख रहा हूँ योस्ट सीओ को क्या क्या इसमें कमियाँ आ रही हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या पे ऐप हो रहा है, सब हेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांजिशन वर्ड। सब हेडिंग मतलब यानी कि आप अपने साइज, इस जो मैंने यहाँ पर पोस्ट लिखा है इसमें कोई भी सब हेडिंग नहीं दिया है। ठीक है, और दूसरा है एक ट्रांजिशन वर्ड, ट्रांजिशन मतलब एक ही वर्ड को कई बार मैंने रिपीट किया है। ठीक है, इसलिए ये एरर आ रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से ट्रांजिशन वर्ड है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको जो भी ट्रांजिशन वर्ड होगा वहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, ये आप पे देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कोई मिलता जुलता वर्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आपको फिक्स करने के लिए दोस्तों आपको इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। ठीक है, ग्रामर मिस्टेक होगा शायद। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए एक बाई एक करके मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं ये फिक्स करने वाला हूँ। ठीक है, यू आर नॉट यूजिंग एनी सब हेडिंग एल्ड थ्रू योर टेक्स्ट इज रेथर लॉन्ग। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे कुछ हेडिंग यहाँ पे दे दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको एक हेडिंग दे देता हूँ। ठीक है, इसको सेकेंड, इसको मैं टू कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे शिफ्ट ऑल्ट टू किया तो ये सब हेडिंग टू हो गया। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं हेडिंग टू। ठीक है, अगर आपको थ्री करना होगा तो अपने कंप्यूटर में प्रेस कीजिएगा शिफ्ट ऑल्ट थ्री, तो ये हेडिंग थ्री में हो जाएगा। फोर प्रेस कीजिएगा तो फोर में हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं एक हेडिंग यहाँ पर दे दे रहा हूँ। ठीक है, फिर मेरा एक ये भी कीवर्ड है। ठीक है, तो मैं इसको भी हेडिंग दे दे रहा हूँ। ठीक है, आपको जो भी देना होगा दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया। ठीक है, फिर मैंने कंट्रोल ऑल्ट टू दबाया। ठीक है, तो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है फ्रेंड, फिर अब मैं इसको क्या करना है, सिंपली आपको जो भी ऐसा, अगर आप ऐसे ही पोस्ट लिखते हैं, ठीक है, तो आपको इसको भी हेडिंग देना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं हेडिंग नंबर थ्री दे देता हूँ। ये मैंने यहाँ पर थ्री दे दिया। ठीक है, सबको ऐसे ही करना है आपको बारी बारी से। ये देखिए मैं यहाँ पे सबको हेडिंग दे दिया हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं रीडेबिलिटी गुड यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है फ्रेंड, अब मैं आपको दूसरा दिखाने वाला हूँ, दूसरा एरर, इसको मैं कैसे फिक्स कर सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो भी ग्रामर मिस्टेक है मैं इसको सही कर रहा हूँ। ठीक है, अगर कुछ भी वर्ड में अगर मिस्टेक होगा तो माफ़ कर दीजिएगा, मैं आप वीडियो बनाने के चक्कर में इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाऊँगा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, तो चलिए मैं यहाँ पर कुछ एरर इसमें होगा मैं इसको ठीक कर देता हूँ। ठीक है, कुछ ग्रामर मिस्टेक होगा यहाँ पे,
सब ठीक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपली जो भी आप अपने पोस्ट में शुरू करेंगे, जो भी आपका टाइटल होगा उसका पहला, मतलब जो भी टाइटल होगा पहले उससे शुरुआत आपको करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने किया है इसको। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, अंडरलाइन में करना है। ठीक है, इसको आपको अंडरलाइन में कर देना है। ठीक है, तो कंट्रोल यू सेलेक्ट करके दबाएंगे तो ये अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, इसमें नहीं अंडरलाइन नहीं है, इसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया। ठीक है, अब कंट्रोल यू दबाऊंगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं इसको हटा दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, फिर कंट्रोल आप पहले सेलेक्ट कर लीजिए उसको। ठीक है, फिर उसके बाद कंट्रोल यू दबाइएगा तो वो आपको अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, तो जो पहला जो ऑप्शन है आपको ये करना है। ठीक है, ये मैंने कर लिया। ठीक है, अब आपका क्या करना है, सिंपली जहाँ जहाँ भी आपको कीबोर्ड होगा उसको आप अंडरलाइन बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, इसको अच्छा बनाने के दोस्तों आप यहाँ पे इमेज भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे कुछ लिंक यहाँ पे दे दे रहा हूँ। फिलहाल मैं यही पोस्ट का लिंक यहाँ पे दे दूंगा। ठीक है, ये मैंने कॉपी किया। ठीक है, लिंक भी बहुत ज़रूरी होता है आपका पोस्ट के लिए। ठीक है ना, चलिए मैं इस दोनों को दे देता हूँ आपको, दोनों का नहीं देता है, डेमो का अलग रखना है, डाउनलोड का अलग रखना है। ठीक है, आपको ये पोस्ट के अकॉर्डिंग के अनुसार रख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ पे ये रख दे रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया, सबको आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, ठीक है, मैंने यहाँ पे ऐड कर चुका हूँ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको फोकस कीवर्ड यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मेरा कीवर्ड ये है। ठीक है, मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे, गूगल AMP ब्लॉगर टेम्पलेट्स। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर दे रहा हूँ। ठीक है, आप जो भी कीवर्ड टारगेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, मैं यही कीवर्ड टारगेट करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसको कॉपी कर लिया। ठीक है, अब वापस आपको आना है नीचे साइड स्क्रॉल डाउन करके। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, सी यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, अब यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, ठीक है, तो ये अभी भी ये अच्छा नहीं हुआ है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको इमेज लगाना पड़ेगा, ऑल टेक्स्ट। ठीक है, ये लिख रहा है आउटबाउंड लिंक, नो आउटबाउंड लिंक, मीटा डिस्क्रिप्शन लिंक, की फ्रास इज सब हेडिंग इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको मीटा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मीटा डिस्क्रिप्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको ये जो पोस्ट का पहला जो हेडिंग होता है उसको आपको कॉपी करना है, पैराग्राफ, सॉरी पैराग्राफ हेडिंग नहीं। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे कॉपी कर लिया। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे कॉपी करके आपको दिखा दे रहा हूँ, ये मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। ठीक है, अब मैं इसको आपको मीटा डिस्क्रिप्शन में ऐड करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, आपको जो जो जैसे जैसे प्रोसेस है वैसे वैसे आपको करना है। ठीक है, तो इसके लिए जैसे आपको क्या करना है, एडिट स्निप्ट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं ये पेज टाइटल तो ठीक ही है। ठीक है, आप जो भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं। ठीक है, ये जो पेज टाइटल है ये इसको मैं यहाँ पर हटा दे रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर हट चुका है। ठीक है, सेपरेटर को भी हटा देता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये अच्छे तरीके से ऐड हो रहा है। ठीक है, अब आपका क्या करना है, सिंपली अपना मीटा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऐड करना चाहे जो आपने कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो ये कोड सॉरी ये पोस्ट कुछ लंबा हो रहा है। ठीक है, तो आपको इसमें से कुछ रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मैं स्टेप यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यहाँ से पूरा को रिमूव कर दे रहा हूँ। ठीक है, 150 वर्ड से ज़्यादा ये नहीं लेता है। ठीक है, सॉरी दोस्तों ये क्यों नहीं ले रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई भी सलाह यहाँ पे ऐड नहीं किया है। ठीक है, तो उसमें जो यहाँ पे
सलग ऐड करना है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसको मैंने कॉपी किया, ठीक है, उस सलग वाले ऑप्शन में मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसको आपको कैसे लिखना है मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, सब आपको स्मॉल लेटर में लिखना है, ठीक है। इसके बाद डैश देना है, जो भी आप बोलते हैं इसको, पी ये हमारा हो गया सलग, ठीक है। अब आपको ये तो हमारा हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको मीटर डिस्क्रिप्शन ऐड करना है, ठीक है, जो आपने यहाँ पे इसको आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, अब वापस आपको इसमें आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये कुछ लंबा हो गया, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे छोटा कर दिखा रहा हूँ, ठीक है। 150 करेक्टर से ज़्यादा ये नहीं लेता है, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे ये ग्रीन हो चुका है, ठीक है। ये क्यों नहीं ले रहा था, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई भी सलग नहीं डाला था, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये ओके हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको क्लोज एडिटर, सॉरी क्लोज स्निप्ट एडिटर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये तो हमारा होगा कीवर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, आउटबाउंड लिंक, नो आउटबाउंड लिंक इमेज, मतलब आपने कोई भी आउटबाउंड लिंक या इमेज नहीं लगाया, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे कुछ इमेज यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए ऐड ए मीडिया पे मैं क्लिक करता हूँ, तो मैं यहाँ पे कोई भी इमेज लगा दे रहा हूँ, ठीक है। आपको जो भी लगाना होगा लगा सकते हैं, ठीक है। जो आपका कीवर्ड होगा वो यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे कीवर्ड था ये वाला, गूगल AMP टेम्पलेट, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया। फिर से मुझे ऐड मीडिया पे जाना है, ठीक है, मुझे यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है, ये हो गया। टाइटल में भी आपको सब में वही चीज़ लिखना है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। आपको ऑल टैग में अगर आपको ट्रांजिशन वर्ड आ रहा है तो इसे आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो इसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने इंसर्ट इनटू पोस्ट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। तो अभी भी आप यहाँ पे देख सकते हैं रीडेबिलिटी गुड, SEO गुड हो चुका है, ठीक है, ये ग्रीन हो चुका है, ठीक है। अभी भी आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इसमें भी कुछ आपको इरल देखने को मिलेगा, ठीक है। आउटबाउंड लिंक अभी मतलब SEO के लिए अच्छा ही है, ठीक है, इसे कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पूरे तरीके से करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। ठीक है, अब मैं स्क्रॉल डाउन का आपको दिखा दे रहा हूँ क्या एरर अब आ रहा होगा, ठीक है। भी देखिए ये दोनों ग्रीन हो चुके हैं, ठीक है। अब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ थोड़ा सा मतलब एक दो एरर तो आपको शो ही करेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट मैच टू टेक्स्ट मैच ऑफ द क्यूफरास अपेरेंस इन द SEO टाइटल बट नॉट एट द बिगिन, मतलब शुरू में आपका जो कीवर्ड है वो शुरू में नहीं है, यही मतलब ये बोल रहा है, ठीक है। तो आपको ये जो है आउटबाउंड लिंक अपीयर इन दिस पेज, आउटबाउंड लिंक मतलब इस पेज में नहीं है, ठीक है। तो आपको आउटबाउंड लिंक यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। तो चलिए कोई भी मतलब मैं यहाँ पे आउटबाउंड लिंक यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल मैं इसको कॉपी कर दे रहा हूँ यहाँ से, एग्जाम्पल के लिए मैं अब आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपको जो भी आउटबाउंड लिंक ऐड करना होगा वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसे यहाँ पे मैं इसको यहाँ से लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ये हमारा हो गया। इसमें ने मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया, ठीक है, और मैं यहाँ पे जो कॉपी किया था लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा आउटबाउंड लिंक, ठीक है। तो इसी को आउटबाउंड लिंक बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या एरर आ रहा है,
ये कुछ आपको मतलब 2 से 3 आउटगोइंग ऐड करना है, ठीक है, अपने पोस्ट में, ठीक है। तो अभी भी ये सीओ के लिए अच्छा ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सीओ फ्रेंडली यहाँ पे बन चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं रीडेबिलिटी गुड है, सीओ गुड है, ठीक है। तो इसी प्रकार से दोस्तों अभी अपने ब्लॉगर साइट में सीओ फ्रेंडली पोस्ट लिख सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको इस पोस्ट को व्यू करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड, कैसा मतलब ये दिख रहा है, ठीक है। आप कम से कम एक पोस्ट में 4 से 5 इमेज या 1 से 2 भी कर सकते हैं, लेकिन इमेज रखना कंपलसरी है, ठीक है, सीओ के लिए वो अच्छा ही होता है। चलिए मैं आपको ये पोस्ट दिखा दे रहा हूँ, ये कैसा शो हो रहा है, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ पे जो पोस्ट अभी डाला था यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका फॉन्ट थोड़ा अजीब आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको बताया था, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड इसी प्रकार से आप अपने साइट में सीओ फ्रेंडली पोस्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। अगर आपको ब्लॉगर से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, यहाँ पे आपको हर कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है, ब्लॉगिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, वो मेरा डेमो वाला था, ये मेरा ओरिजिनल है, ओरिजिनल वेबसाइट है, ठीक है, ओरिजिनल ब्लॉग आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपको इसमें से कुछ थीम डाउनलोड करना है तो कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड इसी प्रकार से आप अपने साइट में सीओ फ्रेंडली पोस्ट को आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, ठीक है।